दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। आज जो बात करेंगे इथरकनेक्ट के बारे में, इथरकनेक्ट का जो भी पूरा प्लान है मैं आपको यहाँ पे प्लान बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ करके वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर मार्केट में एक अच्छा प्लान करना है, एक नॉर्मल सा प्लान करना है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी बात करेंगे, इनकी फर्स्ट कम्युनिटी का जिसका नाम था बिटकनेक्ट। बिटकनेक्ट समथिंग मार्केट में जो उसका टोकन लेके आया था इथरकनेक्ट के जैसा सेम कॉन्सेप्ट, तो उसमें समथिंग $450 तक उसकी प्राइस गई थी, और सेम कॉन्सेप्ट है, और इथरकनेक्ट वापस नए सिरे से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अभी जो हाल की जो प्राइस है 0.14 सेंट के आसपास, ठीक है। तो प्लान को देख लेते हैं किस तरह से पूरा प्लान है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। दोस्तों इथरकनेक्ट के जो एक ओपन एंड डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है, इसके अलावा आप यहाँ पे ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल यहाँ पे बिगर रिस्क के, ठीक है। तो अगर पैसा बड़ा पैसा ईरान करना तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको बड़ी रिस्क नहीं लेनी है। फॉर एग्जांपल छोटा इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होती है आप यहाँ पे चार करेंसी में कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल BSC कॉइन, BNB और बिटकॉइन, इथेरियम एंड ट्रॉन के आसपास। दोस्तों इथरकनेक्ट की अगर बात करेंगे तो ये जो ECC इनका कॉइन है, DeFi प्रोटोकॉल कॉइन, जनवरी में ये समथिंग यहाँ पे आया था, और DeFi स्टैकिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फरवरी में ये 2021 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों प्लान को देख लेते हैं सबसे बड़ी बात, और यहाँ पे आगे का जो विज़न है ये भी आप चेक कर सकते, प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट, इथरकनेट बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म, लाइव बाइनेंस लॉन्च पैड लिस्टिंग, येलो फार्मिंग, BNB फाइनेंस लॉन्च पैड, DeFi फाइनेंस लिस्टिंग और टोकन लिस्टिंग इसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पूरा प्लान, और अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे एवरी मंथ 10% से 40% तक आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो इनके इथरकनेक्ट की जो ECC कोइन है, समथिंग जो टोटल सप्लाई है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं समथिंग। और इसके अलावा अगर प्लान की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले प्लान की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों जो ECC टोकन की सप्लाई है, धीरे धीरे जैसे कि बिजनेस यहाँ पे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो यहाँ पे समथिंग ECC कोइन है वो नहीं मिलेंगे, और बाद में इसकी रेट बढ़ना यानी कि कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है इकट्ठा करने का, आप ECC कोइन यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लान है वो भी बता देता हूँ, समथिंग 11,42,44,542 टोकन की टोटल सप्लाई है, ओके। तो यहाँ पे अगर ECC कोइन परचेज़, ओके, जो भी आप परचेज़ करते हो, फॉर एग्जांपल $50 से लगा के $1,000 तक आप अगर टोकन परचेज़ करते हो, स्टैकिंग जो 10% मंथली आपको यहाँ पे रिसीव होने वाला है, वो भी डेली के हिसाब से, ठीक है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप $1,001 करते हैं तो 13% मंथली आपको यहाँ पे अर्निंग होने वाली है, 13% मंथली आपको ECC कोइन की अर्निंग होने वाली है, वो भी पर डे के हिसाब से आपको आपके वैलेट में जमा हो जाती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो $5,001 से लगा के $10,000 तक, 16% मंथली आपको यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे $10,000 से $100,000 तक भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी अर्निंग होती है 17.5% मंथली अर्निंग, ओके। ECC कोइन स्टैकिंग टाइमलाइन इस 365 दिन का है, 365 दिन तक आप यहाँ पे पैसा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे लेवल इनकम दी गई है, और डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम भी आपको यहाँ पे दी गई है। जो बात करेंगे कि लेवल इनकम के बारे में, फर्स्ट लेवल पे 8% है, थर्ड लेवल, सेकंड लेवल पे 3% है, इसके अलावा थर्ड लेवल पे 2%, इसी तरीके से लगा के आप 10 लेवल तक की अर्निंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कुछ और कंडीशन भी दी हैं, डायरेक्ट बिजनेस स्टैंडली ओपन, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल आपके एक्टिव हो जाते हैं,
उसके बाद में एक डायरेक्ट बिजनेस स्टैंडली यानी कि एक डायरेक्ट करते हो तो आपके 5, 6, 7 लेवल ओपन हो जाते हैं। 3 डायरेक्ट का आप करते हो तो आपके 8वां, 9वां, 10वां लेवल भी आपका एक्टिव हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्पॉन्सर इनकम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे 10% है, यानी कि जो भी उनकी अर्निंग होती है उसमें से 10% आपको यहाँ पे अर्निंग आ जाती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा मौका है, जो भी उनका ग्रोथ होगा उसमें से 10% है। सेकंड लेवल पे 5% है, थर्ड लेवल पे 3% है, फोर्थ लेवल पे 3% है, इसी तरीके से 5 लेवल पे 1% है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन है 3 डायरेक्ट है, अगर आपको 5 लेवल की अर्निंग करनी है तो ओके। रैंकिंग एंड रिवार्ड की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट लेवल पे रेसर 50,000 डॉलर की टीम बिजनेस पर 1% पर मंथ 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो ये एक ये ठीक है, ये फर्स्ट लेवल आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सेकंड लेवल थर्ड लेवल की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ी बात है। ठीक है, तो अब ये बात हो गई, और इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो बिंदास कर सकते हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर आपको करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप $100 की रिक्स लेना चाहते हैं तो रिक्स ले सकते हैं। वर्किंग करके भी आप बड़ा पैसा यहां से ईरान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।